अस्सलामुअलैकुम, मैं उसाब मलिक, फरीदाबाद थाना सूरजकुंड से खोड़ी गांव। हमारे यहाँ जितनी भी मस्जिदें हैं उन मस्जिदों में लाउड स्पीकर से अजान पर पाबंदी लगा दी गई है, जिसकी कोई लिखित सूचना नहीं दी जा रही है। आज हम पूरे दिन पहले पूरे प्रशासन से हमने बात की, एसएचओ साहब से हमने फ़ोन पर कॉन्टेक्ट किया, उन्होंने साफ मना कर दिया। उसके बाद हमने मिलने का टाइम लिया, हम उनसे मुलाकात की, काफ़ी सारे सवाल जवाब हुए, उन्होंने हमें कोई लिखित सूचना देने से मना कर दिया, साफ कह दिया कि हमारे पास कोई लिखित सूचना नहीं है और ये ऊपर से आदेश हैं, डीसी साहब से बात कीजिए। हमने उनसे इसके बारे में ही मालूम किया कि इससे क्या परेशानी है, इससे दिक्कत क्या हो सकती है, ताकि हम लोगों को समझा सकें। उन्होंने भी कहा कि मुझे इस बारे में नहीं पता, मुझे तो आज ही मालूम हुआ है अजान और नमाज होता क्या है, सुबह से अजान अजान सुन रहा हूँ और भी जगह मैं मीटिंग करके आ रहा हूँ, लोगों को समझा रहा हूँ। मैंने उनसे हरगिज कोशिश की कि जनाब आप इतना बता दें ताकि मैं भी उससे बच सकूँ और मैं भी हेल्प करूँ और लोगों को भी समझाऊँ कि इस बीमारी की वजह ये है, इससे हम लोगों को बचना है, अजान नहीं देनी है लाउड स्पीकर से, ऐसी वजह क्या है वो मुझे पता लग जाए जिससे मैं भी बचूँ, मुझे भी अपनी जान की सुरक्षा है और मैं चाहता हूँ मैं भी अपने समाज को बचा सकूँ। लेकिन इसके बारे में उन्होंने मुझे कोई तफसीस नहीं दी, लिहाजा मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, फरीदाबाद के अंदर ये बिना लिखित सीधे आदेश है, पुलिस आकर सीधे सख्ती कर रही है, कोई भी सहरी का इफ्तार का कोई टाइम नहीं बताएगा, कोई वक्त नहीं बताएगा, कोई लाउड स्पीकर पे एक ऐलान भी नहीं करेगा कि हाँ आप रोज़ इफ्तार लीजिए, सहरी कर लीजिए। तो मेरे भाइयों आप ही बताओ कैसे करके हम लोग ये रोज़ इफ्तारेंगे और सहरी खोलेंगे, सहरी खाने का हमारे पास टाइम नहीं बता रहे, रोज़ इफ्तारने का टाइम नहीं बता रहे। तो मेरे दोस्तों रिक्वेस्ट है, इस खबर को इतना भेजिए कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री खट्टर साहब के पास पहुंचे और उनको भी मालूम हो और हमारे माननीय मंत्री प्रधानमंत्री जी जो है हमारे मोदी जी उनके पास भी ये पहुंचे और इस पर कोई ना कोई एक्शन लिया जाए, या तो हमें कोई लिखित सूचना दी जाए कि इससे क्या परेशानी है, हमें बताया तो जाए, हमें बता भी नहीं रहे, या फिर इसको तुरंत बहाल किया जाए ताकि हम लोगों का रमजानों को खुशहाली से ये लोग हम अपने घरों में इबादत कर सके, ताकि मस्जिद से आवाज आ सके कि हाँ रोजे का इफ्तार का टाइम हो चुका है, सहरी का टाइम हो चुका है, इबादत करेंगे, अल्लाह से दुआ करेंगे, इंशाल्लाह।